उज्जैन के क्षिप्रा नदी घाट में हुए धमाके की जांच करने के लिए उज्जैन जीएसआई की टीम पहुंच चुकी है और पानी व गाद के सैंपल लिए। और पता नहीं ये है क्या चीज, वीडियो कर रही है? अरे वो यही कर रहा था मैं, एकदम कैमरा चालू हुआ नहीं। उज्जैन के इंदौर रोड स्थित त्रिवेणी घाट पर क्षिप्रा नदी में पिछले कुछ दिनों हुए धमाके की जांच शुरू हो गई है। भोपाल से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई की 3 सदस्य टीम सोमवार सुबह मौके पर पहुंच गई। टीम ने पानी में हुए धमाके की जांच में जुट गई है। टीम ने जियोलॉजिस्ट, सीनियर केमिस्ट और केमिस्ट शामिल है। टीम ने पानी में सैंपल इकट्ठे किए हैं। गौरतलब है कि क्षिप्रा नदी के त्रिवेणी घाट पर स्थित बने स्टाफ डैम के पास बीते 26 फरवरी को पानी से धमाके की आवाज आई थी, साथ ही धुआं भी निकलता दिखाई दे रहा था। यहां इलाका गोठला में गांव में आता है। ग्रामीणों ने धमाके व धुएं का वीडियो बनाया था। कलेक्टर आशीष सिंह ने जीएसआई को पत्र लिखकर जांच करवाने की मांग की थी। बताते हैं कि इसी घाट पर शनिश्चरी अमावस्या को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। इस साल 13 मार्च को शनिश्चरी अमावस्या है। इस भूगर्भीय घटना को लेकर आसपास ग्रामीण में जिज्ञासा बनी हुई है। टीम में शामिल जियोलॉजिस्ट अरुण कुमार ने बताया कि घटनास्थल से तलहटी की गाद पर पानी के सैंपल ले लिए गए हैं। इन सैंपल की जांच भोपाल की अत्याधुनिक प्रयोगशाला में परीक्षण के बाद लिया जाएगा, उसके बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा। जिन्होंने पानी में 5 मार्च को उज्जैन की पीएचई डिपार्टमेंट में पानी के जो सैंपल लिए गए थे उसकी जांच भी अप्रत्याशित केमिकल नहीं मिला है। जीएसआई 2 से 3 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंप देगी। अरुण कुमार ने बताया कि 5 मार्च को पीएचई और आज ये पानी के सैंपल जांच करेंगे। केमिस्ट, सीनियर केमिस्ट और जियोलॉजिस्ट की टीम आई है। तो जो यहाँ के लोकल लोगों से, सरपंच साहब से और बाकी जो पीएचई डिपार्टमेंट से जो हमें पता चला है कि 28 को ये यहाँ पे चिंगारियाँ और जो इस टाइप की घटना हुई है तो उसी का ही जो अंडरग्राउंड साउंड्स आ रही हैं यहाँ पे, तो उसके लिए अभी हम लोगों ने जो बात की यहाँ पे, जो डिस्कशन हुआ है उन लोगों से, तो 28 के बाद 5th और 8th को ये फिर से देखा गया। और जो पीएचई डिपार्टमेंट ने जो 5th को एक जो सैंपल कलेक्ट किया था, तो जो लोगों ने यहाँ बताया कि जिस टाइप की जो चिंगारियाँ आई और जो धुआं निकला, तो वही हम लोग देख रहे थे किस टाइप का वो था, उसमें क्या फ्लूम्स था, कि कैसा उस टाइम उसकी स्मेल थी, तो उसी से हम लोग देख रहे हैं। साथ में हम लोगों ने ये सैंपल, सेडिमेंट सैंपल्स और वाटर सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, तो उससे हम लोग अपना जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे अपनी लैब में जीएसआई भोपाल में, उसके बाद ही हम लोग इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि क्या हुआ है। अदरवाइज जो 5th को जो सैंपल कलेक्ट किया गया था उसमें जो बात की है पीएचई डिपार्टमेंट से, वो बोल रहे ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है, सिंपल मतलब ऐसा कोई केमिकल नहीं मिला है।